साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं वो बेस्ट फ्लोर की सातवीं मेडिसिन है, चेस्टनट बट। चेस्टनट बट हम बहुत सारे मानसिक सिम्टम्स में काम ला सकते हैं, शारीरिक सिम्टम्स में काम ला सकते हैं। ये दवाई जो है ऐसे लोगों के लिए काम करती है, कारगर है, जो बेध्यान है, जो एक ही गलती को बार बार करते हैं और उनको पछतावा तो होता है, सुधारना भी चाहते हैं लेकिन फिर से वही गलती कर देते हैं। अगर हम शारीरिक सिम्टम्स की बात करें तो किसी को प्याज खाने से अगर एलर्जी है, वो कहीं ना कहीं वो फिर से गलती से प्याज खा लेता है, तो किसी के कहने पे खा लेता है, फिर उसको एलर्जी हो जाती है। किसी कोई भी तकलीफ है, अगर किसी चीज़ को खाने से मना किया जाए लेकिन फिर भी खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चेस्टनट बट के मरीज हैं। इसके साथ साथ अगर हम बच्चों की बात करें तो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई को टालते हैं कि मम्मी पहले मैं खाना खा लेता हूँ फिर पढ़ूँगा, कहेगा फिर मैं खाना खाने के बाद टीवी देख लेता हूँ फिर पढ़ूँगा, टीवी देखने के बाद बोलेंगे कि मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ उसके बाद पढ़ूँगा, और पढ़ाई को टाल रहे हैं स्पेशली, बाकी सारी चीज़ों को नहीं टाल रहे हैं। अगर उनको खेलने के लिए मौका दिया जाए तो दिन भर खेल लेंगे, अगर उनको किसी चीज़ के लिए बोला जाए तो कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई को लेकर के टाल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के वो बार बार टाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपन चेस्टनट बट दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जो बार बार लिखते हैं तो काट छाट की शिकायत आती है, मतलब लिखते तो थोड़ा सा काट छाट बार बार होता है, ऐसे लोगों को भी हम चेस्टनट बट दे सकते हैं। किसी का काम को टालना या किसी मानसिक सिम्टम्स में देखें तो किसी व्यक्ति के साथ, जैसे कि फलाना व्यक्ति के साथ मुझे काम नहीं करना है, लेकिन हम फिर उसी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं और फिर से वो हमको धोखा दे दिया, मतलब ये वाली गलती, हम चाहते तो नहीं कि धोखा हो, हम चाहते नहीं कि ये व्यक्ति हमको धोखा दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो जा रही हैं, मतलब इस जगह में चेस्टनट बट की ज़रूरत है ताकि वो दोबारा वो चीज़ें ना हो। चेस्टनट बट हमारे, अगर बीमारियों के बारे में अगर बात करूँ, कोई चीज़ अगर बार बार अगर रिपीट हो रहा है, मतलब वहाँ पे चेस्टनट बट हम दे सकते हैं। चेस्टनट बट बहुत अच्छी मेडिसिन है, इससे जो बेध्यान है उसको एक स्थिरता आ जाती है और उसका अंतरात्मा है उसको सही दिशा में ले जाता है, और उसको वो जो बार बार जो गलतियाँ होती हैं उससे उसको छुटकारा दिलाने में मदद करता है। स्कूली लाइफ में हम लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं, हमारे जो जीवन है इसमें भी हमारे साथ बहुत गलतियाँ होती हैं, जाने अनजाने हम कई लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कई लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने चाहे उनसे धोखा हो जाए चाहे हमसे धोखा हो जाए, तो गलतियाँ हो जाती हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज़ें ना हो लेकिन फिर भी हो जाती हैं। तो कहीं वो यही है कि उसका मन बेध्यान है, उसका ध्यान स्थिर नहीं है, इसके कारण से वो गलतियाँ हो रही हैं। तो चेस्टनट बट इन सब चीज़ों में काम करता है, कारगर है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि तर्क बोल सकते हो, जो कमज़ोर लोग जैसे बोल सकते हो, है ना, या अपने पुराने अनुभव से जो सीख नहीं ले पाते, ऐसे लोगों को बोलोगे, अधिकतर जो सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, जिनके साथ बार बार घटनाएं घट रही हैं, ये भी चेस्टनट बट के शिकार हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, मतलब वो बेध्यान है, वो गाड़ी तो चला रहा है लेकिन वो बेध्यान है, वो उधर उसका ध्यान नहीं है, जिसके कारण से चीज़ें हो रही हैं। तो ये चेस्टनट बट के सिम्टम्स हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत लाभदायक रहेगा, हेल्पफुल रहेगा अनुभव के लिए, कि अगर आपको लगता है कि आपको कहीं भी इस प्रकार की दिक्कतें हैं या कहीं ना कहीं आप जीवन में जो भी चीज़ें कर रहे हैं और आप नहीं करना चाहते लेकिन गलतियाँ से हो जाती है, तो वो चेस्टनट बट दवाई लेकर के ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उन बच्चों को अपन चेस्टनट बट दे करके उनको राहत दिला सकते हैं। चेस्टनट बट दे करके जो बच्चे काट छाट करते हैं उनको भी हम राहत दिला सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ये हैं, और साथ में कई सारे जैसे अपन प्रिकॉशन लेते हैं परहेज करने का, लेकिन कहीं ना कहीं हम परहेज नहीं कर पाते, वो लोग भी चेस्टनट बट लेकर के फ़ायदा ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे आपको कुछ चेस्टनट बट के बारे में जो अनुभव मिला और इसका फ़ायदा आप उठाएँगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।